100% ड्रामा है। भगवंत मान को अपने पास से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह जो भगवंत मान का गृह जिला है, उस गृह जिला के सांसद आतंकवादी सिमरजीत सिंह मान को गिरफ्तार करके जेल में डाले पंजाब पुलिस। आज क्या आपकी तरफ से किया गया, एक बार बता दीजिए। देखिए, करनाल पुलिस ने 14 जुलाई को नीलकंठ मंदिर नीलकंठ ढाबे में आकर जो है सिमरजीत सिंह मान, जिसकी आतंकवादी सोच है, जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला का समर्थक है, जिस पर भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, उसने करनाल की धरती पर आकर भगत सिंह को आतंकवादी बताया। जब तक मुकदमा दर्ज होकर वो जेल नहीं जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और सिमरजीत सिंह मान की मुहिम पर करनाल पुलिस ने मोहर लगा दी, उस पर मुकदमा ना दर्ज करके। अब मेरी लड़ाई करनाल पुलिस के खिलाफ है। सिमरजीत सिंह मान तो जेल में जाएगा ही जाएगा, लेकिन एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? कल मैं हरियाणा के गृह मंत्री को मिलूंगा, इस बारे में गृह मंत्री को नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि सीएम सिटी के अधिकारी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिला के लोगों ने एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया के लोगों के साथ नहीं, हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों के साथ भी नजायज किया, क्योंकि भगत सिंह को आतंकवादी बताया। भगत सिंह के नाम पर दुनिया भर की संस्था बना रखी है, पर कोई दिखा नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं, आएंगे लोग, आएंगे, जागेंगे, कोई बात नहीं। अभी कारवां बन रहा है, बनेगा, किसी से मेरी कोई नाराजगी नहीं। एंटी टेररिस्ट फंड इंडिया अपना काम कर रहा है। धन्यवाद।